हेलो दोस्तों, आसिफ शिराजी आपके साथ हूँ। आज हम इस अल फजल रेस्टोरेंट पर आए हैं जी। इनका गाजर का हलवा और सबस चाय इनकी बहुत मशहूर है और बड़े मज़ेदार है। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी सबस चाय में और गजरेले में हलवा कैसा लगता है। आए मेरे साथ, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितनी रौनक है यहाँ पे। ये देख सकते हैं ये गाजर का हलवा इन्होंने तैयार किया हुआ है अंडे और गुलाब जामुन के साथ है। और ये इनकी सबस चाय है, ये देख सकते हैं। और साथ ये शामी कबाब है इनके। और हम जाएंगे अंदर की तरफ जाके इनसे देखते हैं कि इनकी क्वालिटी में और इनका रजत कैसी है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। ये देखें, मेरे मुंह में तो अभी पानी आने शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। और साथ ही ये थोड़ी सबस चाय इनकी, ये भी देखें ज़रा कितनी लज्जत वाली। ये देखें ये चीज़ कितनी प्यारी और कितने गहरे दूध की चाय इनकी। और यहाँ बाइक खड़े इनसे पूछेंगे कि इनको और इनकी क्वालिटी में क्या ऐसा है जो कि बहुत फेमस है इनका हलवा और इनकी चीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत कैसी है आपकी? सर मुझे बताएं कि ये हलवे में ऐसी क्या रेसिपी होती है कि बहुत मशहूर है और बड़ी मज़ेदार है कि हर बंदा लाइक करता है। मुझे भी जैसे किसी ने बताया था तो मैं इसलिए इधर आया हूँ। तो ये इस हलवे के अंदर हम जो है ना, हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम इसमें जो है ना देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बनाते हैं उस टाइम भी इसमें देसी घी डालते हैं। ठीक है, ठीक है। और हर चीज़ों की जो प्योरिटी और उनकी जो सफाई है उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। ठीक है। और इसमें जब बनाते हैं उस टाइम भी देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये सेल में ये बुनाई के लिए डालते हैं उस वक्त भी ये घी आपको साइडों पर नज़र आ रहा है, उस वक्त भी इसके अंदर जो है ना वो देसी घी शामिल किया जाता है। इस वजह से इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट जो है वो जो है ना वो बड़ा बेहतरीन है। ठीक है सर, होता ना कि लोग घी कहीं और से परचेज करके बीच में मिलावट कर लेते हैं, दो लंबड़ी कर लेते हैं, इसका कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारा खुद जो है ना अपना हम घी इधर तैयार करते हैं। हमारी तकरीबन जो है 150-200 किलो दही जो है वो डेली की इस्तेमाल होती है, उसका अपना जो है घी हम इधर तैयार करते हैं देसी, उसमें किसी किस्म की कोई भी मिलावट नहीं होती। ठीक है, हमारा जो है वो देसी घी भी बहुत मशहूर है और इस वजह से जो है ना वो हमारे पास इतना होता नहीं है कि हम उसको सेल कर सकें। ठीक है, ये तो बहुत कम मिकदार में जो होता है वो सेल होता है। इस वजह से जब भी कभी सेल के लिए बचे वो रखें तो वो टिकटों में जो है ना फौरन ही मिलना सेल हो जाता है, यानी कि हमारे पास हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, क्योंकि तो हमारा वो उतना ही होता है जितनी हमारी ज़रूरत है। इस वजह से हम जो है बाइक से परचेज नहीं करते, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट का जो एक नाम है इसकी प्योरिटी जी जी बिल्कुल खालिस्तान की वजह से जो है ना वो अपना जो है ना एक मेयार जो है वो बरकरार है। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा चाय के बारे में बताएं, चाय भी बहुत फेमस है सबस चाय है। कश्मीरी चाय इसके लिए हम जो है ना वो स्पेशल हमारा जो है ना वो खालस दूध पिलाते हैं। ठीक है, ठीक है, बगैर किसी मिलावट के जो है। और उसी तरह दूध जो है ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो भलाई है बिल्कुल इसी वजह से है कि दूध की प्योरिटी की वजह से और इसकी थिकनेस भी जो आप लाके देखें आपने, ठीक है, वो इसी वजह से है कि इसमें पानी की जो है ना वो मिलावट नहीं है और कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ शामिल नहीं की गई जो मुजरे सेहत हो। चले सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। भाई कहने है जी, देख सकते हैं इनकी चाय में ऊपर जो मलाई आई हुई है कितनी प्यारी है और कितनी लज्जत वाली नज़र आ रही है। ये 100% इन्होंने जो मुझे बातें बताई है बिल्कुल 100% ठीक है। और इनसे ये जो परचेजर यहाँ पे खड़े होते हैं इनसे पूछते हैं ये कितने का केजी है और कितने का किलो है। अस्सलाम वालेकुम, तो ये बता सकते हैं इसका रेट क्या है? 800 रुपये किलो है। और हाफ केजी 400 रुपये में। और चाय का कप कितने का है? 80 रुपये का। चले ये भाई कह रहे हैं चाय का कप 80 रुपये का जी, ये फुल एक किलो ये 800 रुपये की और हाफ़ है जी ये 400 रुपये में। यहाँ पे आएँ अल फजल पे आएँ और ये खाएं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।